अभी हम हैं जॉर्ज आइलैंड, बोस्टन हार्बर आइलैंड का एक जॉर्ज आइलैंड है और ये फेरी हम लोग को अभी अभी यहाँ से छोड़ के जा रही है। तो पहले हम बताते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है। बोस्टन हार्बर आइलैंड में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है, तो हम लोग का प्लान था जून में यहाँ पे आने का दोस्तों के साथ। तो कई सारे लोगों का टिकट बुकिंग हुआ, 4-5 फैमिली का, एंड थोड़ा सा रेनी हो गया मौसम तो काफ़ी लोग कैंसिल कर दिए, नहीं आए। बट मैं अपने दोस्त को लेके आया था, तो 4 टिकट बचा हुआ था हमारा भी और मनोज और उषा फैमिली का भी बचा हुआ था। तो ये हुआ कि चलो इस बार हम लोग चलते हैं। तो मैंने मनोज से पहले कंफर्म किया कि कल चल रहे हो तो मैं अपना दूसरा प्लान कैंसिल करके साथ जाऊं, क्योंकि साथ घूमना मज़ा आता है। तो बोला हाँ। तो फिर मेरा लैबमेट था, वो भी बोल रहा था कहीं घूमने चले, तो उसको सोचा इसी में क्लब करता हूँ, उसके लिए फ्री टिकट भी था हम लोग के पास। तो उसको बोले और सब प्लान किए, तो मनीष ने तो कल कैंसिल कर दिया, बोला कि उसकी लड़की की फ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ जाएगा। मनोज हमसे आधा घंटा पहले घर से निकला, 15-20 मिनट पहले, बट वो रॉन्ग साइड पे चला गया और फेरी मिस कर गया। दिस इज रियली रॉन्ग स्टोरी, राइट। हम लोग अकेले आ गए यहाँ पे, हम लोग सबके लिए आ रहे थे और सब हम लोग को छोड़ दिए, हम लोग एलोन हो गए। दैट्स नॉट गुड। लेट्स गो टू योर हाउस। हां, लेट्स गो देवांशी के हाउस सो यू डोंट मिस दैट। यार देवांशी के हाउस चलो चलते हैं ना। हाँ चलो बाइक चलते हैं। लेट्स गो हाँ। बोस्टन में पार्किंग फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसकी वजह से काफ़ी लोग बोस्टन डाउनटाउन में नहीं आते हैं। एक हमारी फेवरेट पार्किंग है जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, लेट मी टेल यू, $9 लगता है दिन भर का वीकेंड्स में। और ये है गराज एट पोस्ट ऑफिस स्क्वायर, या आप फाइंड करेंगे तो ये मिल सकता है। देखिए यहाँ पे है $9 इस पर लिखा हुआ है, एंड मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, इसी के नीचे है, एंड फिर आप डाउनटाउन आराम से घूम सकते हैं। Yes. Yes, we are getting late, man. We are getting late. जल्दी चलिए। हाँ, very nice. हम लोग फेरी पकड़ने जा रहे हैं और ये फेरी पार्किंग लॉट से करीब 0.5 माइल की दूरी पे है और एक्वेरियम के पास में है। उधर पीछे एकदम एक्वेरियम दिख रही है, ये मेन डाउनटाउन का मेन एरिया है। इसके पीछे क्विंसी मार्केट है, प्लेस काफ़ी लाइवली रहता है। इसके नीचे हाईवे है, इसके ऊपर देखिए एक फेयर वगैरह लग रहा है। शाम को आई थिंक बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इधर क्विंसी मार्केट है, इधर भी अच्छा सा पार्क है, ये वाटर फाउंटेन है, बच्चे काफ़ी खेलते हैं, इधर एक्वेरियम। बोस्टन डाउनटाउन देखिए, 10 सुबह भी 9:30 बजा है और कितना माहौल अच्छा हो गया है। काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो ये सब टूरिस्ट लोग लाइन में खड़े हैं ये सब डक टूर लेने के लिए। डक टूर आई थिंक $80-90 की रहती है, जो पानी में भी ये बोट चलती है और ज़मीन पे भी देख ही रहे हैं। जल्दी आओ, हम लोग जा रहे हैं बोस्टन हार्बर आइलैंड और जो फेरी स्टार्ट होती है वो लॉन्ग वार्फ से स्टार्ट होती है। और फेरी पे आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, बाइक वगैरह, खाना पीना, सब कुछ। बड़ी सा कार्ट वगैरह लेके जाना है वो भी, तो जिसके पास ज़्यादा फैमिली वाले लोग हैं, स्ट्रॉलर वगैरह है इस एरिया में, इसको बोलते हैं लॉन्ग वार्फ। ये रोड है, यहाँ पर आप फैमिली को ड्रॉप कर सकते हैं और जाके फिर वहाँ से एक लोग पार्क करके वॉक करके आ जाएंगे। तो आराम से वॉक करते हो तो 15 मिनट लगता है, फास्ट वॉक करते हो तो 10 मिनट्स। ये सामने एक्वेरियम है, लॉन्ग वार्फ, और यहीं से फेरी स्टार्ट होती है, सो बहुत दूर नहीं है। अगर किसी को इस आइलैंड पे आना है और अच्छे से इंजॉय करना है तो क्या क्या तरीका है इसको इंजॉय करने का। पहली चीज़ तो ये, आप किसी भी लाइब्रेरी का कार्ड ले लीजिए। हाँ, स्टोन फेंकने वाला प्लेस आ गया भाई। और लाइब्रेरी से काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री रहता है। तो एक टिकट का प्राइस है $25, तो आपको $13 में मिल जाएगा। फेरी सुबह 10-10:30 बजे चलती है, लास्ट फेरी यहाँ से 5 बजे चलती है। सो एक अच्छा काम कि आप लाइब्रेरी के टिकट से कूपन कोड लीजिए और 50% डिस्काउंट पे। दूसरा बेस्ट काम, पार्किंग जो बोस्टन में है, पोस्ट ऑफिस गैराज पार्किंग, वो $9 में होल डे कराता है, तो उससे चीप नहीं है, वहाँ से वॉक कर सकते हैं। सारा लोकेशन वीडियो के नीचे रहेगा।
एंड थर्ड सबसे बेस्ट इन्जॉय करना चाहते हैं तो बड़ी सी कार्ट में बहुत सारी चीज़ें बारबेक्यू के लेके बारबेक्यू करने के लिए लाइए, कोयला गैसोलीन वगैरह सब कुछ, और बहुत सारे ऐसे स्पॉट भी बना हुआ है बारबेक्यू करने के लिए, तो बारबेक्यू कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए, और ग्रुप में आए तो काफ़ी फुल डे स्पेंड कर सकते हैं $13 में। अगर कोई पर्सन बोस्टन में रहता है या कोई बोस्टन विजिट करने आ रहा है, उसको भी दिखाने के लिए ए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आप ये $20-25 में फुल बोट राइड भी ले रहे हो एक घंटा की, आते वक्त एक घंटा जाते वक्त, और बोस्टन का स्काई लाइन वगैरह भी अच्छा दिखता है, इन डाउन टाउन भी इंजॉय कर सकते हो। सो वन ऑफ द लाइक मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है बोस्टन में ये। आज वेदर अच्छा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ से शुरू हो रही है लाइन और पूरा ऐसे अंत तक जा रही है। चलिए, ये दोनों कान बंद किए हुए हैं कि इनको हॉर्न की आवाज़ आएगी, ओपन कर। मैं जिसकी वजह से आया था आज फेरी पे, वो दोनों लोग छूट गए। मनोज पहले से प्लान किया था तो मैं सोचा चलो उसकी कंपनी देने के लिए आता हूँ, और एक हमारा लैबमेट है मनीष, उसने प्लान किया था तो हम लोग सोचे चलो साथ में चलते हैं, और तो मनीष कल कैंसिल कर दिया और मनोज की फेरी छूट गई। तो अभी मनोज 1 बजे की फेरी से आएगा तो 2 बजे वहाँ हम लोग को पकड़ेगा। यहाँ से सीनिक व्यू डेफिनेटली बहुत मस्त और ऑसम दिखता है। यस इज टर्निंग, क्या मस्त सीनिक व्यू आ रहा है। ये एरिया डाउनटाउन है और इस एरिया को बोलते हैं सी पोर्ट एरिया। मनोज गलती से सी पोर्ट एरिया में चला गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे बोलते हैं बोस्टन हार्बर आइलैंड, बोस्टन डाउनटाउन के बीच में जितने अटलांटिक सी का पार्ट है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड हैं और सबके ऊपर ऑलमोस्ट फेरी जाती है, और इसको कलेक्टिवली बोलते हैं बोस्टन हार्बर आइलैंड। इस फेरी के ऊपर 3 डेक होता है, ये सबसे डाउन है, एक मिडिल है, एक सबसे टॉप है। इस पर आपको ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, काफ़ी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये है जो सामने है जॉर्ज आइलैंड। सो ये हिस्टोरिक कोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे विजिटर सेंटर भी है। 5 बजे के बाद जो मिस करेगा आइलैंड पे रहेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं, चलिए चलिए, वेलकम टू द जॉर्ज आइलैंड गाइस। आ जाओ खाना खा ले, वेरी नाइस, खाना खा ले। ये लड़का देख रहा है इधर ना, ये मिस्टर ब्रेकर हो गया है। क्यों झूठ बोल रहा हूँ प्लीज? और इस ये ग्रुप की इतनी महंगी सेल्फी स्टिक है, उसको हाथ पकड़ के ऐसे करके जानबूझ के तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? दूसरी सेल्फी स्टिक तोड़े हो तुम 2 हफ्ते के अंदर अंदर है। तो ऐसे ही हमारा ये वाली बहुत महंगी मिलती है, शायद $40 की या समथिंग की मिलती है, $45 की। गोप्रो वाले ऐसे ही महंगा बेचते हैं। इस लड़के को कुछ बोल भी नहीं सकता है, इसको पता चल गया है कि ये मेरी लाइफ है तो इसका मिसयूज करता है। हैं, अच्छा तुम बता दो क्यों ब्रेक करते हो? लो फोन भी ब्रेक करोगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो थोड़ा ऊपर से गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर, वो दूसरा पानी माउथ बना रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि पापा यू आर स्माइलिंग। अपने ब्रदर को बचा रहे हो, गुड गुड ब्रदर ऑलवेज। कुछ भी हो, चाहे मम्मा हो, चाहे पापा हो, चाहे दूसरा हो, ब्रदर के लिए हमेशा लड़ाई करना, ओके? ऑलवेज सपोर्ट योर ब्रदर। सो अपने ब्रदर को हमेशा क्यों सपोर्ट करना चाहिए? Because if you
you don't support your brother, I was about to say burger. Then you will support burger. अंचन ने सुबह पराठा बना दिया, फ्राइड राइस बना दिया और ये घर का लाल मिर्ची का भरवा अचार है, चटनी है, लेमनेड है, बहुत सारा स्नैक है, पानी है। यस चलिए, दाल राइस यहाँ कहाँ मिलेगा जी? जब तुम लोग कहीं जाते हो दाल राइस खोजते हो, बस इज गुड थिंग राइट। बात भी करने दो उसको थोड़ा, वो बात करना चाह रहा है बेचारा। Do you see those? ये वाला pickle, right? Yeah. This pickle, I like it with fried rice. Yes, fried rice के साथ में चटनी से ज्यादा अच्छा लग रहा है, right? Papa, what is always? ये लड़के लड़का खुश हो गया है, अभी प्यार करने आ गया, मेरे पीठ पे ठोक रहा है। बस मेरे सेल्फी स्टिक मत तोड़ा करो, ओके? थैंक यू सो मच, गुड बॉय। We are the best boys. Can I kiss the phone? ये सारी जो पाइपलाइन है, आई थिंक बहुत सब साल पहले ये फोर्ट के अंदर वाटर ले जाने के लिए ऐसे ही अंदर तक बनाए हुए हैं, जो अभी यूज नहीं होती है। वैसे भी साल्टी वाटर को यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी पाइपलाइन, ये सारा चिमनी, ये सब देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ का पे कभी साल्ट प्रोडक्शन वगैरह करते थे। वही मैं सरप्राइज हो रहा था कि साल्ट वाटर क्यों फोर्ट में ले जाएंगे, तो लग रहा था कि साल्ट बनाते थे यहाँ पे लोग, ये सब वही उसी का पार्ट है। ये सारे देखिए, ये क्रैब है, ये क्रैब है, ये ब्लैक वाली सीप है, पूरा ऐसे ही भरी हुई है। ये क्रैब का सेल है। वो देखो कौन हाथी ला रहा है। नहीं देखा, जोर से चिल्लाओ, जवान से जल्दी आओ। ए बेबी अंकल, सो अभी मनोज जूसा सब लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग घूमना शुरू कर रहे हैं, इन्हीं का वेट कर रहे थे। ये है यहाँ का विजिटर सेंटर, छोटी सी म्यूजियम भी है यहाँ पे। ये सारी काफ़ी, आई थिंक ये पुराने गोले हैं। डू नॉट टच द कैनन बॉल। यस गाइस, डोंट टच इट, ये कैनन बॉल है। यस, ये देखिए, ये बिग बुलेट्स है, ये बुलेट्स बड़े बड़े गन्स में लगती है। उस वाली ना, सुनो, उस वाली गन में इस तरह की बुलेट्स डलती हैं, ये बिग वाली गन है ना। या ये उनका फूड था, जो भी आर्मी में लोग थे तो ऐसे ही उस टाइम पे खाना पीना खाते थे। ये डेकोरेट करके रखा गया है, ऐसे ही लगता है कि एकदम रियल है, बट ये डेकोरेशन है सब। इसको इस तरह ऊपर नीचे करके ना सेट करते हो, देन इसके अंदर कैनन बॉल भरी जाती है एंड दे हिट इट द एनिमी के ऊपर। ये सारी ओरिजिनल कैनन बॉल है, किस किस गन में यूज होती हैं इसमें उसका दिखा रहा है। सब 1860 का है, 1800 की है। हम लोग लैंड माइन के बारे में पढ़ते हैं, ये है सी माइन्स। सो कैसे ये लोग पानी में सेट कर देते हैं माइन्स, और सिप वगैरह आई तो लग जाएगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाया है, बट ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है। ये देखिए, रियल गन्स लगाए हैं, आई थिंक मशीन गन्स हैं बड़ी। दिस इज द फोर्ट, और इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस आई थिंक ये है, एक और एंट्रेंस है। तो ये गार्ड रूम है गाइस, इसमें ना गार्ड रहता था, गार्ड हाउस है। यस, सो इस पे फोर्ट की पूरी हिस्ट्री, डिजाइन कैसे बनी है, कहाँ कहाँ से क्या वार होना है, हर एक चीज इसका दिया हुआ है यहाँ पे। पहले कोल्ड में सोल्जर्स को कोई हीटिंग का ऑप्शन नहीं था, एसी वगैरह नहीं था, तो इसी में रहते थे, और कुछ हुआ तो इसी में फायर जला के अपना हीटिंग करते थे। यस, और एक्चुअली फोर्ट का जो पेंटागन की तरह स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, इस तरह है। सो एक्चुअल मेन फोर्ट का एंट्री यहाँ से है। यस, सो ये चारों तरफ है, घूम सकते हैं हम लोग। और क्या डिफेंस सिस्टम दिया है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, कि इधर एक जो आउटर वॉल बनाया है यहाँ पे कवर फेस के लिए, कि कोई इधर अटैक करता है तो ये डिफेंस के लिए काम आएगा। सो द होल पर्पज़ ऑफ दिस इज टू डिफेंड, और इधर से वार भी कर सकते हैं, इसके ऊपर से भी बनाए हुए हैं गन यहाँ से वार करने के लिए। ये देखिए, सारे लोग फर्स्ट फेरी से आए थे यहाँ पे, प्यार से गेम खेल रहे हैं,
तो आप फुल टाइम यहाँ एंजॉय कर सकते हो जिसको सुबह आना है, और अगर सोना है तो घर पे अपना सोफे पे सो सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, वीर तुम झुको नहीं, वीर तुम रुको नहीं। सो जो आउटर वाल है वो डिफेंड करने के लिए थी, और जो इनर वाल ऊंचाई पे है यहाँ से वार करने के लिए है। तो ये सारे जो पुल दे रहे हैं इसमें गन्स को फंसा के होल्ड कर देते थे और ऊपर से वार करते थे गन को ऊपर करके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनाए हुए हैं। तो उस वाल को बोल रहे हैं कि वो डिफेंडिंग वाल है, कि अगर वार करेंगे तो ज़्यादातर जो गोले आके उससे टकरा जाएंगे, हाँ तो आउटर वाल से टकरा जाएंगे और इसके अंदर और यहाँ से छुप के ऊंचाई से ऐसे वार करें। मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन सा पेड़ पौधा खाना है। हम लोग यहाँ से एक ये पी है क्या बोलते हैं, लतरी अपने गांव में बोलते हैं, जो दलहनी फसल में आती है, उसी की एक जंगली वैरायटी है जिसको हम लोग खा रहे हैं, ये सारा वही है। नहीं, वहाँ से जाएंगे इसके नीचे फोर्ट के अंदर घुसेंगे, वहाँ से निकलेंगे, देखते हैं। जाओ जाओ, ओके, व्हाट्स अप सोल्जर्स, हेलो, हे दवांगशे। ये सभी ये सब प्लेसेस थे गन चलाने के लिए, और यहाँ से इसको आपको पतला इसलिए बनाते हैं कि एनिमी की बुलेट्स वगैरह आने में बचाएंगी। उधर से देखिए व्यू। हेलो समीर, सोल्जर बंकर में क्या है? नथिंग। ये सब यहाँ की हाल बहुत डार्क था। है? क्या है? ओ यहाँ, अरे यार तो मेरे झाल लग रही है यहाँ। आई थिंक उस टाइम की मीटिंग हाल रही होगी। ऑसम गाइस, दिस इज सो बिग प्लेस मैन। और ये बस देखिए व्यू, वाह। घुसे थे ऊपर गए थे, पूरा हम लोग घूम के ऐसे ऐसे आए हैं, और इधर बहुत ही स्कैरी प्लेस है, डार्क प्लेस है, एंड अच्छा है, दिन भर एंजॉय करने वाला है, और जिसको बहुत शांति एकांत चाहिए आके उसी में घुस के बैठ जाए और 5 बजे वाले की फेरी भूल जाए, रात भर वहीं पे मेडिटेशन करे शांति में। हंग्री एंड टायर्ड। ओ देखिए ये 3 हंग्री बच्चे जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ से आए हो? अमेरिका से, इंडिया से, हंगेरियन से? हंग्री हंग्री एक कंट्री है। तो एपिकल पराठा, यस, एंड दूसरा भी पराठा है, आलू फ्राई है, राइस वगैरह था, और इतना हाइक करने के बाद सबको अच्छी खासी भूख लगी है, ठंडी ठंडी हवा में हम लोग को। अच्छा, अभी गेम होने जा रहा है, हमारी टीम रेडी है इसको मारने के लिए। ओके ओके समीर, यस ये बच गया, चलो समर। नो, अरे बच गया। तो गेम का कमाल हो गया, कोई नहीं मार पा रहा है, बहुत देर से वैसे पड़ा हुआ है। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग का कैसा रहा है आज का दिन? फुरे बोलिए। अरे भाई, 1 प्लेस पे ही आए थे हम लोग, 3 प्लेस पे नहीं गए थे। सो हम लोग 10:30 बजे की फेरी से आए थे, मनोज 12 बजे की फेरी से आए थे, 5 बज गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं, लास्ट फेरी यहाँ से है। Yes guys, time for boarding. So अब हम लोग आ गए हैं वार्फ के ऊपर, लॉन्ग वार्फ, और यहाँ पार्क होगी, इसके बाद हमारी टीम उतरेगी। गाइस अब चला जाए, हम लोग फेरी से आ गए और हमारी टीम सब लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे खेलने के लिए ऐसे ही, और माहौल बहुत अच्छा है, देख सकते हैं पूरा लोग भरे हुए हैं, टूरिस्ट भी भरे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वाइब है। यस, ये रेडी हो गया। यस, सो आज का दिन हम लोग का कैसा रहा? अरे डबल 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 डबल, काफ़ी फनफुल दिन रहा। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर, यहीं से ब्लॉग फिनिश करते हैं, अभी मनोज के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम लोग का ये गैराज काफ़ी फेमस है,
गराज पोस्ट ऑफिस स्क्वायर, यूएसपीएस पोस्ट ऑफिस स्क्वायर, $9 फुल डे मस्त ऑन वीकेंड्स। और जीपीएस हमेशा लगाना ना भूले कहाँ जाना है क्योंकि इसके मल्टी लेवल पार्किंग से बाहर आने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर जाना है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।